गैया को घर में रखते थे, कुत्ते गली में घूमते थे। अब हम शहर में आ गए हैं, अब गौवंश गली में घूमता है और कुत्ता वो तो बेड पे संग सोता है। कभी कभी तो आदमी का मुंह तक चाट लेता है। हद तो तब होती है जब एक ही थाली में खाना खाता है तो कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं या ये कुत्ता है, हम दोनों में से कुत्ता है कौन। अब तो गजब हो गया, जब हम गांव में रहते थे तो अतिथि को पहले भोजन कराते थे और स्वयं बाद में कुछ बच जाता था तो खाते थे। अब कहते हैं हम शहर में आ गए हैं, अतिथि जाए भाड़ में, पहले हमारे लिए बचना चाहिए। अतिथि के लिए तो होटल से मंगा कर भी खिला देंगे क्योंकि अब हम शहर में आ गए हैं। विचार करिए, आपको किससे प्यार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या ये बात मैं अपने हृदय पर हाथ रख के कह सकता हूँ? क्या आप ये बात अपने हृदय पर हाथ रख के कह सकते हैं कि मैं इस संसार की जीव मात्र को प्यार करता हूँ, मैं इस सृष्टि के कण कण को प्यार करता हूँ, मैं नदी पर्वतों को वृक्षों को प्यार करता हूँ, मैं हर एक मनुष्य को भगवान का रूप जानकर प्यार करता हूँ। कितना अच्छा हो जाए अगर हमें सच में प्यार करना आ जाए, और जिस दिन हमें पूरी सृष्टि से प्यार करना आए उसी दिन कहना मुझे महादेव से प्यार हो गया है। क्योंकि जब तक सृष्टि से प्यार नहीं होता तब तक जो महादेव से प्यार है वो शमशानवासी महादेव से प्यार है, और शमशानवासी महादेव औघड़ों के लिए तो ठीक है लेकिन जिनको महादेव का कार्य करना है उनके लिए ठीक नहीं है, प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, बाढ़ में जाओ हमारे तो हम और हमारे भोले बाबा, फिर वो मरघटा के भोले बाबा से प्यार करते हैं, शमशान के भोले बाबा से प्यार करते हैं क्योंकि वहां सिवाय शिव के कोई और है ही नहीं। लेकिन हम तो संसार में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, नदियों पर्वतों वृक्षों के बीच में रहते हैं, हम तो जीवन को धारण करने वाले लोग हैं, जिंदगी को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हमें मरघटा के महादेव को नहीं हमें आत्मा के महादेव को प्यार करना होगा। हमें प्यार करना होगा। लोग कुत्ता घुमाने जाते हैं और दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं। उनसे पूछो कुत्ते घुमाने क्यों आए हो, एनिमल्स लवर हैं हम। अगर तुम एनिमल्स लवर हो तो जिस मच्छी को फ्राई करके खाए हो वो कौन थी। एक तो ट्रेन में हमसे बहस करने लग गए, वो बोले महाराज जी ये नॉनवेज नहीं है, गंगा फॉल है, गंगा फॉल।
तो हमने कहा ये गंगा का फल है, तब तो गजब हो गया। कुछ लोग कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये कोई नॉन वेज थोड़ी है, आलू की तरह। किसी के बच्चे को तुम उबाल के खा गए और तुम कह रहे हो आलू की तरह। अरे आलू को 10 दिन धर के देखो, उसमें से किसी का बच्चा नहीं निकलेगा। अंडे को 10 दिन धर के देखो, छोटा सा मुर्गी का बच्चा निकलेगा। कैसे कह सकते हो कि वो नॉन वेज नहीं है, उसमें जीवन है।